हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि चेक प्रिंट को सेटअप कैसे करते हैं और पेमेंट एडवाइस का सेटअप कैसे करते हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं कि जब भी हम कोई कंपनी बनाते हैं, जैसे हमारे पास एक ही कंपनी बनी हुई है हरी एसोसिएट की, हमें सबसे पहले जाना है एफ 11 में। यहाँ मिलेगा अकाउंटिंग फीचर, आपको सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन आता है बैंकिंग फीचर में जाएंगे। ये है आपका बैंकिंग फीचर जिसमें की है इनेबल चेक प्रिंटिंग, आपको इसको यस करना है। सेट अल्टर ट्रांजेक्शन टाइप्स, आपको भी इसे यस करना है। इसमें आप टीबीएस करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, एटीएम का, कैश का, चेक का, डीडी का, कार्ड का, ईसीएस का, इलेक्ट्रॉनिक चेक का, ईपीएफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और अदर्स का, पेमेंट एंड रिसीव के लिए आपको इसको यस और नो करना है और इसको आपको एंटर कर देना है। उसके बाद सेट अल्टर पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन फीचर को भी आप यस कर सकते हैं, और जो हमारे पास हैं पहले से बैंक इलाहाबाद बैंक और IRMN बैंक, आपको कोई सा भी बैंक सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। उसके बाद हमारे पास कुछ ये एंट्री पहले से रखी है, पड़ी हैं पेमेंट की, हम इसको देखते हैं। आप जब पेमेंट करेंगे तो आप उसको देखेंगे। हमारे पास अप्रैल में ये कई सारी पेमेंट की एंट्रीज है, हम कोई सा भी एक पेमेंट की एंट्री ले लेते हैं। जैसे हमने ये लिया, पहली एंट्री ले ली रोहन शर्मा की। रोहन शर्मा को इलाहाबाद बैंक से पेमेंट है ये, और सबसे पहले क्या करते हैं जब हम कोई भी बैंक बनाते हैं ऑल्ट सी करके, तो अब जब ऑल्ट सी करेंगे तो आप नया बैंक बनाएंगे। जैसे ये पहले से बना हुआ है इलाहाबाद बैंक, आपको इसको हेड बैंक अकाउंट रखना है। इसमें कॉल सेंटर एप्लीकेबल आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसकी जो डिटेल होंगी ये आप अपनी कंपनी का सब कुछ डाल देंगे इसमें, अकाउंट होल्डर नेम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है और किस स्टेट का है, ब्रांच क्या है, BSR कोड क्या है, सारा चीज़। और इसके बाद जो बैंक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें आप सेट चेकबुक या यस और नो दोनों कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और इसमें जो सेकंड ऑप्शन आता है अल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये यहाँ पे नो है, आपको इसको यस करना पड़ेगा और आप इसे एंटर कर देंगे। तो ये आपको पहले ब्लैंक दिखाई देगा, आपको इसमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे लास्ट में साइड में कंट्रोल सी का, कॉपी फॉर्म का। आप कंट्रोल सी करेंगे इसको तो इसमें सैम्पल फॉर्मेट पहले से होता है, आपको ये लेना है और आपको इसको एंटर कर देना है। तो ये डिटेल जो है सारी ऑटोमेटिक ये पहले से अब ये आ जाएगी डिटेल आपकी और आपको एंटर कर देंगे इसमें। उसके बाद जब आप इतना कर लेंगे तो फिर जब पेमेंट की एंट्री करेंगे, जैसे पेमेंट की एंट्री रखी पड़ी है इलाहाबाद बैंक से पेमेंट है रोहन शर्मा को, तो आप कोई भी लेजर बना सकते हैं और इसे ले सकते हैं। तो रोहन शर्मा का पेमेंट है ये 4000 रुपये का, ये एडवांस पेमेंट है और इसमें आप जब एंटर करेंगे यहाँ पे रोहन शर्मा का, तो आपको ये फॉर्मेट खुल के आएगा, एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें कि चेक रेंज, इंस्ट्रूमेंट नंबर, अमाउंट, इंस्ट्रूमेंट डेट, फेवरी नेम, ये सब आपको मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आपको F12 करना है कॉन्फ़िगरेशन में और सो रेफरेंस ID यस रही है आपकी। अगर आप चाहते हैं कि चेक में फेवरी नेम आए तो आपको सो यस करना है, सो फेवरी नेम यस, सो रिमार्क, कुछ रिमार्क देना चाहते हैं तो आपको इसको यस करना है।
सो ईमेल अगर आप सोच करना चाहते हैं कि ईमेल भी शो हो इस पेमेंट एडवाइस में, तो आपको इसको यस करना पड़ेगा, या फिर आप इसको नो भी कर सकते हैं। इस तरीके से शो क्रॉस शो चेक क्रॉस यूजिंग, अगर आपको आपके चेक पर डबल क्रॉस होके आना है, आता यदि मान लीजिए क्रॉस अकाउंट पे ही है, तो आपको इसको यस करना पड़ेगा। सो बेनिफिशियरी कोड यस कर दीजिए, सो ट्रांसफर मोड यस कर दीजिए, बैंक डेट यस और बैंक स्टेटस यस। तो इस तरीके से आप इसे कर लेंगे सेलेक्ट सारा यस, तो ये फॉर्मेट खुल के आएगा और ये सब इंस्ट्रूमेंट नंबर जो भी चेक नंबर होगा आप डालेंगे यहाँ पे, जो भी चेक पे डेट होगा इसे डालेंगे, फेवरिंग नेम में जिस पार्टी को पेमेंट गया हुआ है उसका नाम आता है, आपको उसका नाम डाल देना है यहाँ पे, और यदि रिमार्क है तो कुछ डाल सकते हैं, और नहीं तो सीधे आप नरेशन में चेक नंबर डाल सकते हैं, और इसे आप सेव कर लेंगे। और जब इसे आप एंटर करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, आपको इसको जूम करना है, आप एल्ट जेड करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, और इस तरीके का चेक का फॉर्मेट बन के आएगा। यहाँ पे अकाउंट पे लिखा होगा, यहाँ पे डेट लिखा होगा जिस डेट में आप चेक काटेंगे, जिसको पेमेंट जाना है वो नाम होगा यहाँ पे, जितना अमाउंट का है अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, और इस तरीके से ये चेक का फॉर्मेट बन के आ जाएगा। जब आप प्रिंटर में लगाएंगे चेक तो ये सारी चीज़ें प्रिंट होके चेक पर आ जाएंगी। अब हम जानते हैं कि इसमें हम पेमेंट एडवाइस कैसे बनाते हैं। ये तो रहा कि चेक का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, आप इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका, तो चेक पे ये सारी चीज़ें लिख के आ जाएंगी। अगर आपको करना है पेमेंट एडवाइस तो उसके लिए क्या करना है, आपको पेमेंट की एंट्री है इसको आपको ऑल्ट पी करना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे जब ऑल्ट पी करेंगे तो प्रिंट में एक आता है प्रिंट पेमेंट एडवाइस, आपको उसको यस करना पड़ेगा। आपको उसको यस करना पड़ेगा, आप यस कर देंगे, डेट हो जाएगा, और इसमें और सारे ऑप्शन जो है आप अपने सुविधा के अनुसार यस और नो कर सकते हैं, जैसे इंक्लूड बिल नंबर यस और नो कर सकते हैं, कुछ भी प्रिंट पार्टी कॉन्टेक्ट डिटेल यस कर दीजिए, ट्रांसफ़र टू यस कर दीजिए, प्रिंट इंस्ट्रूमेंट डेट हाँ डेट चाहिए हमें प्रिंट चेक पर, इंस्ट्रूमेंट ड्यू डेट इसे नो कर सकते हैं आप, और कंपनी का यदि पैन नंबर चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो रहने दीजिए, और फिर लास्ट में इसको आपको एंटर कर देना है। तो इस तरीके से आपका ये पेमेंट एडवाइस जनरेट हो जाएगा, आप इसे ऑल्ट जूम करेंगे ऑल्ट जेड तो ये जूम हो जाएगा, और इस तरीके से आपको पेमेंट एडवाइस बन के आ जाएगा जिसको पेमेंट जाना है। ये आपके सामने है पेमेंट एडवाइस, इसका फॉर्मेट है पेमेंट डिटेल, पेमेंट मोड ट्रांसफ़र टू, इंस्ट्रूमेंट डिटेल, इशूड फ्रॉम, अमाउंट। इस तरीके से आपका एक ये पेमेंट एडवाइस तैयार हो गया है, आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और साइन करके दे सकते हैं आगे के लिए। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में सीखा दो चीज़ें, एक तो ये कि हम चेक का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं टैली में, कि हमारा कंप्यूटराइज चेक जो है प्रिंट होके आ जाए और हम पार्टी को सीधे दे सकें, हमें इस पे मैन्युअली कोई भी काम नहीं करना है, हमें कंप्यूटर से इसको सेटिंग करके इसका प्रिंट निकालना है चेक पर। और दूसरा ये कि हमने पेमेंट एडवाइस कैसे बनाते हैं, यदि पार्टी को कोई पेमेंट एडवाइस देना है तो आप इस तरीके से पेमेंट एडवाइस बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, साथ में बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।